अजमेर की आदर्श नगर थाना पुलिस ने लॉकडाउन के बावजूद अवैध रूप से हथकड़ व देशी शराब बेचने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए सब इंस्पेक्टर कन्हैयालाल ने बताया कि सेंदरिया इलाके में पुलिस ने दबिश दी, जहां कैलाश चंद के पास 25 पवे देशी शराब के बरामद किए गए हैं। इसके अलावा बलिया गांव में भी पुलिस ने दबिश दी, जहां अवैध रूप से हथकड़ शराब बनाकर बेचने की कार्रवाई सुरेश नाथ द्वारा की जा रही थी। दोनों ही मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कल दिनांक 14/4 को इतला मिली कि मुखी खास ने इतला दी कि सेंद्रिया और बड़लिया में कोई अवैध दारू बिक्री है। इस पर सेंद्रिया में दबिश दी तो एक अवैध शराब बेचता हुआ एक व्यक्ति मिला, जिसके बाद करीबन 25 पवे देसी शराब हथकड़ के थे, जिसको आज न्यायालय में पेश किया गया। दूसरा, बड़लिया में दबिश दी गई तो सुरेश नाथ के पास में करीबन 20 लीटर अवैध हथकड़ शराब मिली, जिसको गिरफ्तार किया गया, जिसको आज न्यायालय में पेश किया।